हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीजी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, रिक्त प्राचार्य पद को भरने की मांग। राजनीतिक दबाव के कारण छात्रों की भविष्य भगवान भरोसे। बाड़मेर शहर के पीजी कॉलेज में एक वर्ष से रिक्त पड़े प्राचार्य पद को भरने की मांग को लेकर छात्रों ने आज सोमवार कॉलेज परिसर में हंगामा कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने पीजी कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य को, कॉलेज शिक्षा निर्देशालय जयपुर और बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को भरने की मांग की। छात्रों ने बताया कि पीजी महाविद्यालय बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें 2,929 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य रिक्त पदों के कारण भगवान भरोसे है। अपनी मांगों में छात्रों ने रिक्त प्राचार्य पद को भरने, लाइब्रेरियन की व्यवस्था करवाने और दैनिक वेतन भोगी के रूप में अस्थायी कर्मचारी स्टाफ को लगवाने की मांग की है, ताकि ऑफिस के काम जैसे टीसी, सीसी, मार्कशीट, डिग्री लेने में विद्यार्थियों को सही सुविधा उपलब्ध हो सके। वही मांगे नहीं मानने पर उग्र प्रदर्शन करने और कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ने की बात कही है। उनका कहना है कि जिसकी समस्त जिम्मेदारी आयुक्त शिक्षा निदेशालय जयपुर की होगी। आज का जो ज्ञापन है वो महाविद्यालय संबंधित मांगों को लेकर दिया गया है, जिसमें सबसे मुख्य मांग जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, वो मांग थी हमारी। और जो अन्य भी मांगे हैं उनके ऊपर अभी तक, जो पिछले काफी समय से हम ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर अभी तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई भी अमल नहीं किया गया है, इसलिए छात्र शक्ति में भारी रोष है। और आज ये शिक्षा मंत्रालय को खुली चुनौती है कि समय रहते छात्र शक्ति की मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा बाड़मेर के अंदर उग्र आंदोलन होगा और उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होगी। ये काशी क्यों नहीं नियुक्ति दी जा रही है, क्या राजनीतिक द्वेष भावना है, क्या इस पूरे मामले में राजनीतिक द्वेष भावना है? पिछले 20 दिनों से प्रिंसिपल की वहां से ट्रांसपोर्ट हो चुकी है पीजी कॉलेज के लिए, उनको ज्वाइन न कर देना एक राजनीतिक पूर्व फुल बहुमत है, क्योंकि प्राचार्य से हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मैडम ने बोला कल रिलीव हो रही हूँ, परसों रिलीव हो रही हूँ। बायतू कॉलेज में छात्र शक्ति द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया, उनके बाद MLA जी और शिक्षा मंत्री से मिलकर उनको रिलीव न होने दे रहे हैं। यहाँ 2929 छात्रों का भविष्य भगवान के भरोसे है, वहाँ तो नॉर्मल ही है, वहाँ प्रिंसिपल जिस सब्जेक्ट से है इंग्लिश लिटरेचर से, वहाँ कोई इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पिछले 5 साल से इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने के लिए कोई व्याख्याता नहीं है। हम चाहते हैं कि मैडम यहाँ आए, इन छात्रों को जो नए छात्र हैं उनका भविष्य तो शुरुआत ना हो, क्योंकि BA फाइनल में देखे तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा कॉलेज में फेल हुए हैं। इस मांग को देखकर हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ कॉलेज में आए। कितने पद स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं? अभी वर्तमान में पीजी कॉलेज में 48 पद है, उनमें से 13 पद पर व्याख्यात है, बाकी पूरे पद वैकेंट है, क्योंकि शिव और टोटन जो नई कॉलेज खुल दी है, पहले यहाँ 19 वैकेंट थे, उनको भी यहाँ से 7 वैकेंट को और यहाँ से खाली वहाँ भेज दिया। ऐसे कौन से विधायक है जो शिक्षा में रोड़ा बने हुए हैं? ऐसे कई महान अनुभव MLA हैं, उनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, पर कह सकता हूँ खुला कि इन छात्रों का भविष्य आप मत खिलवाड़ कीजिए। मान लो भाई तुझे MLA जी है और कई बड़े बड़े नेता हैं और शिक्षा मंत्री जी खुद ही नहीं चाहते कि उनकी बातें मानकर या वैकेंटों को नहीं आने दे रहे हैं। आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती तो? हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो पिछले कई दिनों से जब फीस बढ़ोतरी हुई थी उस समय भी हमारी वाजिब मांग की थी प्रिंसिपल हमें मिलना चाहिए, हमारे प्रिंसिपल के बगैर तो कॉलेज पूरी खाली है, यदि प्रिंसिपल नहीं मिलता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन के बाद में नहीं मिलता है तो हम बाड़मेर बंद का आह्वान करेंगे। ज्ञापन हम कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के नाम, जिला कलेक्टर के नाम और कार्यवाहक प्राचार्य तीनों को दे रहे हैं। बाड़मेर से जागरूक TV की रिपोर्ट।